Following the arrest of former Madhya Pradesh Minister Raghavji, Chief Minister Shivraj Singh Chauhan is facing the heat for poor handling of the entire case. Raghavji has been accused by his 30-year-old domestic help of sexual exploitation for over 3 years. उन्होंने अपने जो गुप्त अंग हैं, तेल से मालिश कराने लगे मेरे से, बोरो प्लस लगवाने लगे, जिससे कि मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इतनी जिम्मेदारी, इतने महत्वपूर्ण पद पर जो बैठी हैं राघव जी, वित्त मंत्री ऐसा करेंगे? मैं तो ये समझता था ये मेरे पिताजी के समान है, ऐसा नहीं करेंगे, कभी सोचा नहीं था, सपने में नहीं सोचा, मैं जानते ही नहीं था। जब उन्होंने 6 महीने पश्चाताप, उन्होंने मेरे साथ कितना मतलब सेक्स तक किया उन्होंने, और उन्होंने ये तक बोला ये किसी को बताना मत, यहाँ मंत्री जी की जो इच्छा में 20-25 लोग मौजूद हैं उनको ही मत बताना। नहीं, मेरी एक इच्छा के खिलाफ तो मैंने काफी इनसे मना करा, सर ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मैं शर्म को डर के कारण मैं अपने पिताजी को, भाइयों को, अपने समाज भाई गांगी समाज को किसी को बताने में एकदम ऐसा हो बता नहीं पा रहा था, डर और शर्म के कारण। और उन्होंने इसी के साथ साथ राघव जी, वित्त मंत्री जी ने, और उनके जो नौकर शेर सिंह चौहान ने, उनका साला सुरेश चौहान ने, मुझे तीनों ने मिलके, मैं जब गांव जाने की, जब ऐसा इनने कृत्य किया, घृणित कार्य किया, तो मैंने गांव जाने की, भागने की कोशिश भी की, तो इन्होंने मुझे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। तो बहुत अच्छा रहता, मतलब बोलना नहीं चाह रहा हूँ, कुछ समझदार है। और हमेशा मेरे से ऑफिस से बोल देते, ऑफिस में लड़कियों को SMS करो, सेक्स की बातें करो, सेक्स की बातें करो, उनसे हाथ मिलाओ, उनको हमारे पास लाओ, 18-20 साल की लड़की लाओ, हम उनके ट्रांसफर के काम करेंगे, इस तरह की बातें करते थे। और मेरे ऊपर भी शादी का प्रेशर बना है, मुझे प्रेशर बनाया गया तो मैं जान से मारूंगा तुमको। शेर सिंह उनका चौहान जो नौकर है, और राघव जी ने स्वयं कहा था अगर तुम घर गए वापस और घर पे बताया, किसी आप जब प्राइवेट जॉब कर रहे ऑफिस में स्टाफ को बताया, तो मैं तुमको भी और पूरे घर परिवार को उड़वा दूंगा जान से। तो मेरे अंदर डर घुस गया था, मैं क्या करूं आकर, मैं अश्चर्य पड़ गया, फांसी लगाऊं, जहर खाऊं, किसके पास जाऊं? 5 जुलाई को 9:30 बजे थाने में मैं गया, मैंने अपना एप्लीकेशन दी, उनसे बोला सर मेरे को रिसीप्ट दीजिए, रिसीप्ट देने से मना कर दिया कि आप ओरिजिनल शपथ पत्र लाइए, मुझे घुमराया गया। तो मैं डर गया, मतलब मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दिया जाए, तो मैं भागा वहां से बचकर, और मैं अभी तक जो बचा रहा क्योंकि एक मित्र के पास मैंने उसकी मदद। That's a very serious allegations have been made there. Raghavji, of course, has been arrested now. As far as the Congress is concerned, this incident has been turned into a major political issue. Justice should take its own course, and it's slowly taking its course. Delayed, but even then, the first stage has been reached. Hopefully, the government will not create further obstacles in this matter, and the rule of the law of the land should be taken care of. Madhya Pradesh police was eager to arrest, but the powers that be delayed natural justice. I can only say because from the time the FIR case was being done and how it took place, the sequence of events clarify my point. Secondly, I went to the police station yesterday after hearing that these two boys were manhandled by the people who were in Mr. Raghavji's department. One was a security guard, one was some deputy sales commissioner. There's no doubt if there is an element of suspicion on these matters, on these principles, political parties, especially those in power, will have to definitely immediately take action, and that's what exactly Mr. Chauhan, the Chief Minister of Madhya Pradesh, has done. The party has taken cognizance of Raghavji's matter, and they have immediately taken the firmest steps that they have to. But although I concede no two wrongs make one right, I would in this context want to
highlight the fact that Umman Chandy in Kerala, the chief minister, is caught up in corruption and fleece related matters. And we've just spoken about how Sarita Nair, a lady's name, has been taken in this whole context. We should understand political parties will have to immediately respond to these kind of situations. Adding to this, there is an MLA, former minister in Andhra Pradesh, I think his name is Shankar Rao, whose daughter-in-law has gone on a case, and even he is being probably apprehended on dowry harassment case, ministers holding positions. I think it's important that all of us do understand what impact this may have on society and respond accordingly rather than point fingers at one another. There were such allegations even last year on Raghavji, but he was shielded, he was protected. So how do you react to that? Well, first of all, I would say that whatever Mr. Raghavji has done is something which is condemnable, and I think Mr. Shivraj Singh Chauhan tried his best to save him, but ultimately could not.